टाटा मोटर्स की टाटा अल्ट्रोज ईवी भारत में सबसे शानदार कारों में से एक है। टाटा अल्ट्रोज की लेंथ 3988 mm, विड्थ 1754, हाइट 1505 और व्हील बेस 2501 है। ये एक 5 सीटर कार है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इसके एक्सटीरियर के साथ। टाटा के लाइनअप में और इलेक्ट्रॉनिक कार्स की तरह ही अल्ट्रोज ईवी में भी एक टिल ब्लू बॉडी पेंट है। फ्रंट में क्रोम की जगह ब्लू कलर के साथ छुपा हुआ ग्रिल और फ्रंट एयर डैम्पर स्टार पैटर्न मिलता है। ओल्ड अल्ट्रोज से अच्छी एक लाइफ देखने को मिलती है। अब इसके इंटीरियर की बात करें तो अल्ट्रोज ईवी का कैबिन काफी शानदार मिलने वाला है। मैकेनिकल गियर बॉक्स ट्रांसमिशन के बिना सेंट्रल कंसोल में काफी स्पेस देखने को मिलता है। स्टेयरिंग व्हील के साथ ही डैशबोर्ड भी काफी शानदार मिलता है। अगर इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, एक इन्फॉर्मेंट सिस्टम जो एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो दोनों को सपोर्ट करता है। डैशबोर्ड और डोर्स पर एम्बिएंट लाइटिंग देखने को मिलेगी। सेफ्टी फीचर्स में हमें ड्राइवर और पैसेंजर्स के लिए 2 एयरबैग, सेंट्रल लॉकिंग के साथ ABS, विद एंटी थीफ अलार्म, चाइल्ड डोर लॉक, रियर कैमरा और सीट बेल्ट फ्री टेंशन के साथ आएगी। अगर इसके बैटरी और रेंज की बात करें तो अल्ट्रोज में बैटरी पावर 302 किलोवाट लिथियम आयन बैटरी मिलेगी। 8 से 9 घंटे में बैटरी को 0 से 100% तक चार्ज किया जा सकता है। इसमें फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन भी मिलेगा और साथ ही 1 घंटे में 80% तक चार्ज कर सकते हैं। टाटा अल्ट्रोज ईवी को एक बार चार्ज करने पर 215 से 300 का रेंज देगी। ये रेंज नेक्सॉन ईवी जैसी ही है। ये कार 245 Nm टॉर्क और 129 हॉर्स पावर के साथ आती है। अगर इसके प्राइस की बात करें तो यह आपको 13 से 14 लाख रुपए तक मिलेगी।